इस वीडियो में हम बात करेंगे 2003 की फिल्म स्ट्रेड के बारे में, जो कहानी है ओडील नाम की एक औरत की, जिसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपने दो बच्चों को लेकर पेरिस से भागना पड़ा और तब उन्हें एक अनजान लड़का मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल 1940 में जर्मन सिपाही पेरिस पर कब्जा जमाने आ रहे थे, इसलिए उनसे बचने के लिए लोगों को पेरिस छोड़ना पड़ा। ओडील नाम की औरत भी अपने 13 साल के बेटे फिलिप और 7 साल की बेटी कैथी के साथ पेरिस से बाहर निकल रही थी। उसे सिर्फ अपने बच्चों की परवाह थी, इसलिए किसी और की मदद करने के बारे में वो सोच भी नहीं रही थी। वो सारे रेफ्यूजीज 50 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी सफर करने में कामयाब हुए, पर फिर अचानक वहाँ जर्मन प्लेन्स आ पहुँचे और प्लेन्स के हमले में कई लोग मारे गए। फिलिप डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर सही वक्त पर एक लड़के ने उसकी जान बचा ली। ओडील और उसके बच्चे इस हमले में बच तो गए, पर उनकी गाड़ी तबाह हो गई और उन्हें आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। वो अनजान लड़का इवान उन तीनों को अपने साथ जंगल में ले गया, जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं। और कुछ वक्त बाद उससे बात करते हुए ओडील को पता चला कि वो 18 दिनों से अकेले सफर कर रहा है। इवान का कहना था कि उन्हें सड़क से दूर जंगल के रास्ते सफर करना चाहिए, पर ओडील ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। फिलिप जानता था कि इवान उनकी मदद कर सकता है, इसलिए वो इवान के साथ छुपने की जगह ढूंढने चला गया। इवान एक ऐसा लड़का है जो खुद की रक्षा करना जानता है, वो शिकार करना भी जानता है, इसलिए फिलिप को उसकी मदद की जरूरत थी। फिलिप अपने गुजरे हुए पिता की घड़ी देकर उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने लगा। ओडील अब भी इवान पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, पर वो रात उन्हें उसी जंगल में गुजारनी पड़ी और ना चाहते हुए भी उन्हें इवान के साथ रहना पड़ा। अगली सुबह जब ओडील ने फिलिप से उसके पिता की घड़ी के बारे में पूछा, तो फिलिप कहने लगा कि घड़ी गुम हो चुकी है और ओडील घड़ी ढूंढने की जिद करने लगी। तब इवान वहां आया और कहने लगा कि उसने एक घर ढूंढ लिया है जहां कोई नहीं रहता। वो चारों उस घर की ओर बढ़े और बहुत सी मुश्किलों को पार करके ओडील जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हुई। कुछ दूर जाने पर इवान और फिलिप को कुछ नजर आया, मगर पास जाने पर उन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक सिपाही की लाश है। ओडील इवान के साथ उस घर तक सिर्फ इसलिए जा रही थी क्योंकि उसे एक फोन कॉल करना था, पर इवान का कहना था कि उस घर में रहकर वो सब सुरक्षित रहेंगे। ओडील का मानना था कि उन्हें किसी अनजान इंसान के घर में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, पर बिना किसी हिचकिचाहट के इवान उस महल जैसे घर की दीवार पर चढ़ने लगा और खिड़की के रास्ते से घर में घुस गया। फिलिप इवान से इम्प्रेस होने लगा था, पर ओडील को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी। घर में घुसते ही इवान ने फोन की लाइन काट दी और रेडियो भी छुपा दिया, ताकि वो लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होकर रहे। ऐसा करने के बाद ही उसने दरवाजे खोले और ओडील घर में फोन ढूंढने लगी, मगर फोन मिलने के बावजूद वो अब कुछ कर नहीं सकती थी। ओडील उस घर की चीजों को देखते देखते अपने खुद के हालात देखकर रोने लगी। धीरे धीरे ओडील को समझ आने लगा कि उस घर में रहना ही उन बच्चों के लिए सही होगा, इसलिए वो इवान के साथ कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने के लिए मान गई। वो पास के गांव में जाना चाहती थी ताकि फोन का इस्तेमाल करके वो पुलिस से मदद मांग सके, पर इवान उसे समझाने लगा कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर सकती और सारे गांव वालों को उनके घर से निकाल दिया है। कुछ वक्त बाद जब ओडील को पता चला कि इवान पढ़ा लिखा नहीं है, तो शर्मिंदा होकर इवान घर से दूर चला गया। पूरी रात फिलिप परेशान होकर इवान का इंतजार करता रहा, पर जब वो लौटकर नहीं आया तो ओडील ने किसी तरह फिलिप को शांत किया। अगले दिन वो तीनों गांव ढूंढने निकल पड़े और कुछ देर बाद वो एक घर तक पहुँचे। उन्हें पता चला कि इवान ने सच कहा था और गांव के घरों को खाली करवा दिया गया है। ओडील अब भी रुकना नहीं चाहती थी, पर एक जर्मन प्लेन की वजह से उन्हें वही छुपना पड़ गया। ना चाहते हुए भी ओडील को वापस उसी घर में लौट कर आना पड़ा और अचानक उस रात इवान लौट कर आया। इवान अपने साथ कुछ हथियार लाया था और अपने सामने चोरी का सामान देखकर ओडील इवान से और नफरत करने लगी। अचानक गर्मी की वजह से इवान बेहोश हो गया और जब उसे अगले दिन होश आया तो उसने ओडील को घर का काम करते हुए देखा। ओडील ने इवान के हथियार छुपा दिए थे और उसके पूछने पर भी उसने इवान को हथियार के बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने बच्चों को बेहतर महसूस कराने के लिए उस खंडर को घर में बदलने लगी थी। इवान रेडियो पर बाहरी दुनिया की सारी खबर अकेले सुनता रहा और उसे पता चला कि वॉर असल में खत्म होने वाला है। उसे एक ऐसी जगह मिली जहां जानवर रखे गए हैं, इसलिए वो हर रोज खाने का बंदोबस्त करने में कामयाब हो रहा था। धीरे धीरे ओडील इवान पर भरोसा करने लगी थी, पर अब भी उसने उसके हथियार उसे लौटाए नहीं।
वो अपने बच्चों को खून खराबे से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसने इवान से कह दिया कि अगर वो चाहता है उसका परिवार इस घर में रहे तो हथियारों से उसे दूर रहना होगा। फिलिप जानता था कि उसकी माँ कई दिनों से सोई नहीं है, इसलिए वो ओडील से बात करने की कोशिश करने लगा, पर वो ओडील को बेहतर महसूस नहीं करवा पाया। दूसरी ओर कैथी इवान को पसंद करने लगी थी और उसके साथ वक्त बिताने लगी थी, पर उसका ये बचपना फिलिप को पसंद नहीं आया। इवान फिलिप से अपने हथियारों के बारे में पूछने लगा, पर उसने ओडील से वादा किया था कि वो इवान को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए कई दिनों तक पूछने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। इसी वजह से उसकी इवान से बहस हो गई और फिलिप रोते हुए घर लौट आया। वॉर शुरू होने से पहले ओडील एक टीचर हुआ करती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक वो इस घर में है वो इवान को पढ़ना लिखना सिखाएगी, पर इवान अभी इसके लिए तैयार नहीं था। एक तरफ जहां ओडील इवान को पसंद करने लगी थी तो वही फिलिप अब उससे नफरत करने लगा था। उस रात खाना खाते हुए इवान और ओडील के बीच बातें होने लगी और बातों बातों में इवान ने उससे कह दिया कि वो ओडील से शादी करना चाहता है। इवान की ये बात उसे अजीब लगी, पर जब उसने वहाँ से जाने की कोशिश की तो इवान ने उसे रोक लिया। इवान कहने लगा कि वो वही करेगा जो ओडील उससे कहेगी, और ये बात सुनकर ओडील हंसने लगी। दिन बीतते गए और उस घर में वो चारों एक परिवार की तरह रहने लगे। जल्द ही ओडील ने इवान को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब ओडील को इवान पर भरोसा होने लगा था, इसलिए वो उससे अपने अतीत के बारे में सब कुछ कहने लगी थी, पर इवान से पूछने पर उसने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन अचानक जॉर्ज और रॉबर्ट नाम के दो सिपाही वॉर छोड़कर उस घर के पास आए। उन्होंने बताया कि जंग अब रोक दी गई है, इसलिए वो अपने घर लौटने से पहले कुछ देर के लिए आराम करना चाहते हैं। ओडील जल्द से जल्द उन दोनों से पीछा छुड़वाना चाहती थी, और जब उन सिपाहियों के बारे में इवान को पता चला तो उसने फिलिप से कहा कि उसे अपनी माँ को उनके साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इवान कहने लगा कि वो दोनों ओडील के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो दोनों ही सिपाही सिर्फ घर में आराम करना चाहते थे। रॉबर्ट ने इवान का सामान देखा और उसे समझ आया कि इवान लाशों के पास से सामान चुराता है, और वो एक बार इवान से मिलना चाहता था, पर ओडील ने कहा कि वो किसी काम की वजह से बाहर गया है। घर लौटने पर इवान ने रॉबर्ट को ओडील से बातें करते हुए देखा। वो अब भी ये सोच रहा था कि वो दोनों सिपाही कुछ गलत करेंगे, इसलिए उन दोनों से छुपकर इवान उनका सामान चुराने लगा। वो कहने लगा कि वो लोग उसे और ओडील को गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए उन दोनों को मारना जरूरी है। इवान ने ठान लिया था कि वो रॉबर्ट और जॉर्ज की जान लेकर रहेगा, पर जब फिलिप ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो इवान ने उसे ही चोट पहुंचा दी। उसने फिलिप से माफी मांगी और कहने लगा कि उन्हें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इवान उन सिपाहियों की नजरों से बचना चाहता था, इसलिए घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूर चला गया, मगर रास्ते में अचानक वो बेहोश हो गया। जब कई घंटों तक ओडील को इवान नजर नहीं आया तो वो परेशान होने लगी, मगर ढूंढने पर भी उसे इवान नहीं मिला। रॉबर्ट ओडील और कैथी के साथ घुलने मिलने लगा था, पर फिलिप को उसका घर में होना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उससे बदतमीजी करने लगा। ओडील ने इवान का सच छुपाने के लिए रॉबर्ट से कह दिया था कि इवान उसका बड़ा बेटा है, इसलिए रॉबर्ट ने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा। रॉबर्ट ये समझ नहीं पा रहा था कि ओडील दुनिया से छुपकर इस घर में क्यों रह रही है, जबकि जंग रोक दी गई है, पर ओडील जानती थी कि अभी इस घर से निकलना सही नहीं होगा और वो कुछ और दिन इवान के साथ रहना चाहती थी। उस रात रॉबर्ट और ओडील एक दूसरे से अपने परिवारों के बारे में बातें करने लगे और उन दोनों को पहले से बेहतर महसूस हुआ। रॉबर्ट जल्द से जल्द वापस अपने घर लौटना चाहता था, इसलिए सुबह होने का इंतजार करने लगा। रॉबर्ट के जाने के बाद ओडील इवान का इंतजार करने लगी, और जब आखिरकार इवान लौट कर आया तो ओडील अपने आप को उससे दूर नहीं रख पाई। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और तब इवान ने बताया कि वो हमेशा से जानता था कि जंग खत्म हो चुकी है, पर वो ओडील को यही रोकना चाहता था। वो वापस घर से दूर जाने लगा और जाने से पहले उसने कहा कि अगली सुबह सिपाहियों के जाते ही वो घर लौट आएगा। मगर अगली सुबह जैसे ही सिपाही वहाँ से गए, कुछ पुलिस वाले इवान को गिरफ्तार करके ओडील के पास आए। उन पुलिस ऑफिसर्स को शक था कि इवान एक चोर है, क्योंकि उसने जो शर्ट पहनी थी वो उस घर के मालिक की है। पूछताछ करने पर ओडील ने उन्हें बताया कि इवान ने उसके परिवार को बचाया था और इसलिए वो लोग उसके साथ इस घर में छुपकर जी रहे थे। पूछताछ होने के बाद इवान को वो लोग गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और ओडील और उसके बच्चों को उस घर से निकाल दिया गया। उन तीनों को पास के गांव में रेफ्यूजीज के साथ एक कैंप में जीना पड़ा, और कई दिनों बाद एक पुलिस ऑफिसर ओडील को अपने साथ ले गया, जिसके बाद वो ओडील से इवान के बारे में पूछने लगा। ओडील ने ये झूठ कह दिया कि उसे इवान का नाम तक पता नहीं, और फिर ओडील को बताया गया कि इवान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है।
इवान का असली नाम जॉन डेलमास था और वो एक बाल कैदी हुआ करता था जो जेल से भाग निकला था। ये सब कुछ सुनकर ओडील परेशान हो गई और इवान की मौत के बारे में सुनकर उसका दिल टूट गया। वो उसकी बॉडी देखना चाहती थी पर उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उसे दफना दिया गया है। ओडील इवान का सच फिलिप से छुपाना चाहती थी, इसलिए उसके पूछने पर ओडील ने कह दिया कि इवान जेल से भाग निकला है और अब वो यहाँ से बहुत दूर चला गया है क्योंकि कोई भी इवान को चार दीवारों में रोक नहीं सकता है। इवान की मौत के गम के साथ ओडील उस कैंप में जीने लगी जहाँ रह रहे लोग ये तक नहीं जानते थे कि उन्हें अपने घर लौटने का मौका मिलेगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।